अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबकी खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको जहाँ कहीं भी हैं खुश व खुर्रम और आबाद रखिए। व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। आप सब लोगों के साथ अपनी रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। मैं आज मैं आई हूँ सिटी सेंटर सदर के इलाके में कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे अबाया शॉप्स जो थी बहुत ही अच्छी हैं। अंदर को सदर का ये इलाका है और बेहतरीन किस्म के गाउन जो है ना वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं 2500 से लेके 6000 तक जा रहे हैं। मॉल्स में यही फ़ायदा होता है कि जब आप एंटर होते हो तो आपको हर तरह की चीज़ जो है मिल जाती है। वाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रे साड़ी थी, मैंने वाइट में मुझे अबाया जो था वो चाहिए था। और प्राइजेस जो हैं विदाउट स्टॉलर तो 3500 है, ये जो फैंसी है, और विद स्टॉलर जो है 4000 रुपीज़ जो है उनकी कीमत है। स्टार्टिंग में आपको 4500 बताएंगे, बट दे विल गिव यू इन 4000 रुपीज़। और बाकी भी इस मॉल में जो है वो हर तरह की वैरायटी, खुसास जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल 1000 रुपीज़ में लगे हुए हैं पाकिस्तान में। और इसके अलावा CSD जो है, जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था ना, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो खुसास आए हुए और उनमें भी सेल लगी हुई थी। सो एनी हाउ, अभी हम लोगों ने थोड़ी सी बच्चों की शॉपिंग करनी थी, थोड़े से ड्रेस देखने थे, तो हम आ गए हैं किड्स कलेक्शन वाली साइड पर। यहाँ पर जो कुछ बच्चों के जो हैं वो शलवार सूट जो हैं वो मुझे चाहिए थे, मैं शलवार सूट की तरफ आई थी। सो इनके प्राइजेस जो हैं वो स्टार्ट 2000 से हो रही हैं, उससे कम नहीं है। 2000 से स्टार्ट हो गए, 2500 और 3500 तक ही जा रहे हैं। ये होता है कि स्टिच होते हैं, बच्चों के साइज़ होते हैं, एज वाइज जो है उनके साइज़ होते हैं, और यहाँ पर भी अच्छी कलेक्शन है। स्टिचिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा नफासत से हुई हुई थी कुछ ड्रेसेस में। ये वाला ड्रेस मुझे काफ़ी पसंद आया था, इसमें वो बहुत ही ज़्यादा नफासत के साथ जो है स्टिचिंग हुई हुई। नीचे ट्राउज़र था इसका। एनी हाउ, अब हम थोड़ा सा आगे चले, इसी मॉल में अभी तक मौजूद हूँ मैं। और यहाँ पर जो है वो इतर की शॉप है। आपको पता है कॉफ़ी जो होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा परफ्यूम जो थे वो टेस्ट करने होते हैं ना अपने स्मेल, सो बार बार आपको कॉफ़ी जो होती है वो दी जाती है कि आप कॉफ़ी को स्मेल करें ताकि वो पहली वाली स्मेल आपके पास से निकल जाए। सो ये सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी आप परफ्यूम शॉप में जाएं, आप परफ्यूम ले रहे हो स्मेल करने के लिए, तो हर स्मेल के बाद ना आप कॉफ़ी बीन्स को स्मेल कर लो, ठीक है? फिर वो पहली वाली स्मेल निकल जाती है। एनी हाउ, यहाँ पे इधर की जो स्मेल मुझे पसंद आ गई है, इसके बीच में थोड़ा सा ये लोग परफ्यूम ना डालते हैं, बट यहाँ पर मेजर है कि जहाँ पर ना इतनी अच्छी स्मेल होती है इस शॉप में, इस कारखाने में, कि ना इनकी जो स्मेल्स होती है ना परफ्यूम्स की इतर की, वो ना लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। ये नहीं कि लगाया और उड़ गया, तो ये काफ़ी देर तक जो है ना वो चलती हैं। सो हम यहाँ पे मिक्सिंग करवा रहे हैं, मैं दो किस्म के इतर लिए और हम मिक्सिंग करवा रहे हैं इसमें परफ्यूम हम डाल के। आप लोग भी अगर पिंडी इस्लामाबाद में रहते हो तो सिटी सेंटर सदर में वाक़ है, और यहाँ के अंदर जो है वो हर किस्म की ना स्मॉल में कलेक्शंस मौजूद हैं हर चीज़ की ना। सो ये ओरिजिनल थी, इसके साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा गिफ्ट दिया था, ये जो अभी पैक कर रहे हैं भाई ने, इन्होंने स्मेल दी थी साथ में, इन्होंने फ्री में दिया था मुझे। इस फ्लोर से हम जैसे ऊपर के फ्लोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भरमार जो है वो मिलती है। प्राइजेस फ्रेंड्स इतने ज़्यादा नॉर्मल थे, कलेक्शन इतनी अच्छी है और डिफरेंट चीज़ें हैं ज्वेलरी में ना, डिफरेंट आइटम्स हैं और प्राइजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। सेट्स बहुत ही खूबसूरत थे, 6000, 7000 और बिलीव में यहाँ से अभी हम जो स्टार्ट करें 2500 से इनके सेट्स जो है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। शादियों ब्याह में, घर के फंक्शंस में, बर्थडे फंक्शंस में, एनिवर्सरी फंक्शंस में, ईद और त्यौहार के लिए भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की ज्वेलरी यहाँ पे अवेलेबल है। भाई इन सेट्स की कीमत क्या है? ये भाई ये दो लेने जो है ये फिक्स 1000 रुपये में है, ठीक है? उसके बाद ये 2200 का, 3500 का, ये रहे। ये ऊपर वाले सब 2200, 3500 के। वो कुंदन का जो ऊपर है लास्ट में, वो कुंदन का ऊपर सबसे माला जो है सिर्फ ये आपको फाइनल 2500। अच्छा, पूरी माला के साथ टॉप भी है और ये जो ऊपर सेट है ब्राइट के, पूरा पूरा जो है 8500, 7500, 6500। और ये नीचे वाले जो ये दो लाइन, ये 6500 का है, 7500, 10000, 18000। आपकी शॉप का नाम क्या है? हमारा शॉप का नाम मोमिन ज्वेलरी सिटी सेंटर में। आज का दिन बहुत ज़्यादा हेडेक रहा और शाम में मेरी दोनों फ्रेंड्स ने मुझे इन्वाइट किया था फॉर डिनर, और दोनों मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त हैं। आज मरियम ने डिनर करवाया मुझे और आज हमारी लास्ट मीटअप था, और यहाँ पर हम नूरी रेस्टोरेंट में आए जो कि पूरा एक रेस्टोरेंट है, चाइनीज़ फास्ट फूड और खाना पीना सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, हर किस्म की डिशेज आपको मिल जाएंगी। एनी हाउ, हम लोग डिसाइड करें अपना मेन्यू के क्या क्या मंगवाना है। ये रेस्टोरेंट बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर इनडोर भी है
और आउटडोर फैसिलिटी भी है। पहले तो हम लोग इंडोर में जाके बैठ गए थे, लेकिन हमारा दिल चाह रहा था कि हम आउटडोर में, एक्चुअली मैं ही इन लोगों को आउटडोर में लेकर आई थी कि वहाँ पर लोकेशन अच्छी होगी और पिक्चर्स बनाएंगे। एनी हाउ बहुत ही फ्रेंड्स मज़ा आया, बहुत ही मोहब्बत दे रहे हैं सब लोग जाने से पहले। दुआगू हूँ मैं इन सब लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, आबाद रखे। जितने इन लोगों ने, सब ने मिलके मुझे मोहब्बत दी है, अल्लाह ताला इन सब की ज़िंदगी में बहुत ढेर सारी बिहारें लाए। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे बहुत ही मुखलिस और बहुत ही चाहने वाले दोस्त अहबाब जो हैं वो मिले। हर बंदा जो है वो दिल से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर मरियम जो थी कॉर्नर पर जाके बैठ गई थी क्योंकि अपना ऑनलाइन काम कर रही हैं और यहाँ पे बिज़ी हो गई हैं। मैं और अनम जगह ढूंढ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं थे, हमें हवा सही नहीं आ रही थी। सो हमने सोचा कि हम यहाँ से बाहर यानी आउटडोर चलते हैं। थोड़ी सी देर हम लोग बाहर आउटडोर खड़े हुए, जब हम खड़े हुए तो हमें मौसम अच्छा लगा और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं बाहर। मरियम अंदर ही हैं, अपनी फ़ोन पर बातचीत कर रही हैं, ऑनलाइन उन्होंने कोई काम स्टार्ट किया है। हमारा ऑर्डर जो है वो एटलीस्ट एक घंटा इंतज़ार करने के बाद जो है वो आ गया है। और चिकन मसाला राइस जो थे वो मैंने मंगवाए थे, कुछ चिकन खाने का चाहता था। सीख कबाब इनके हमेशा से बहुत ही औसम होते हैं, हमने ज़्यादा ऑर्डर दिए थे, इन्होंने सिर्फ 3 ला के दिए थे और बाद में 3 और मंगवा दिए थे। ये साथ में छोटे के लिए, मींस मरियम के बेटे के लिए हमने ऑर्डर किया था फ़ास्ट फूड, साथ में ड्रिंक्स भी बाद में लेकर आए थे। हर चीज़ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा लेट सर्विस जो थी वो इन लोगों की थी, लेकिन चिकन मसाला राइस काफ़ी अच्छा था इन लोगों का। अब मैंने कोई नहीं बोलना भाई, बहुत बोल रही है। नहीं अब मेरी बेइज्जती है मेरी, ज़्यादा कहना अच्छा है यार। इस बात को खा ले, खा ले यार। जो बच गया उन्हें बोले पैक भी कर दें। बहुत बच गया, बचे बचा, बस ये पैक करवाऊंगी यार। बुरी बात है यार, पैक करवाओ। हम ये हैं जिन्होंने बहुत स्लो सर्विस है आज जो है वो नान भाई जो है उनकी भी हड़ताल है और अभी तक हमने जो ऑर्डर दिया वह हमें पहुँचा भी नहीं है, ये हाल है। Now we are still waiting. और ये देखें इनको दिया हुआ है बट नो आंसर। यार ये तंदूर में बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, ये इन्होंने बाहर ही खड़ा कर दिया वहाँ पे आग के पास। सुबह बखैर, नई सुबह को आगाज़ हो चुका है। शाहजहन और वजीर जो हैं वो फाइटिंग वाल जो हैं वो कर रहे हैं, इनका खेल यही होता है बस। ये लोग ना रेसलिंग करते हैं, फाइटिंग करते हैं। एक सुपरमैन बना हुआ है तो दूसरा बैटमैन बना हुआ है, फिर थोड़ी देर में दूसरा बैटमैन बन जाएगा, पहले वाला सुपरमैन बन जाएगा। नहीं हो साथ साथ घर में जो है वो तरह तरह की जो है ना वो बस सामान आगे पीछे ही पड़ा हुआ है। इन लोग का खेल ख़त्म हो चुका है और चलिए अब मेरे साथ आप सब लोगों को मीडिया टाउन इस्लामाबाद जो है न्यू सोसाइटी तो नहीं, काफ़ी टाइम हो गया सोसाइटी को भी बने हुए, बट नीट एंड क्लीन है, काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो उस सोसाइटी में है। वहाँ पर हम जा रहे हैं अपनी कज़न के घर और हमें गुड बाय का केक चाहिए जो हम सर और आंटी के साथ जो है वो कट करेंगे। दे आर वेरी 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 नाइस पीपल और आई थिंक आप लोग मेरे व्लॉग में आज पहली दफ़ा उन्हें देखेंगे। बट समटाइम चॉइस करना आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लेवर्ड होते हैं ना केक में, और जब आप किसी और के लिए लेके जा रहे हो तो आपको समझ में नहीं आती कि आप क्या लो। यानी हाँ हम लोगों ने यहाँ पे प्योर चॉकलेट केक लिया था। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम करते हैं आप सबको एक न्यू फ्रेश ब्लॉग में। आज मेरे साथ मेरी दोस्त रेहाना और हम लोग जा रहे हैं सराफा बाज़ार में, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो हमारे साथ ब्लॉग में बच्चे। खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, आप सब खैरियत से हैं? ये चाइना मार्केट है जो? हाँ ना, ये नहीं चाइना मार्केट उस तरफ है ना, ये तो वो वाला इकबाल रोड है ना। अच्छा अच्छा, ये नीचे मकसद है, ये नीचे इधर कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह से एक और पार्टी, आप बिलीव नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है सबसे, सब इनवाइट करते हैं, अगर ना जाओ तो ख़ुद घर आ जाते हैं। यहाँ पर जिनसे मैं हेयर कोर्स कर रही हूँ वहाँ पर जो मेरी टीचर है ना, उन्होंने पॉलर में ही जो थी ना एक अच्छी सी जो थी मुझे वन डिश पार्टी, इट्स नॉट वन डिश इट्स अ पार्टी, सो पार्टी उन्होंने मेरे लिए अरेंज की थी। और बहुत बेहतरीन ये जो है ना वो कुकिंग करती हैं, इनके पकौड़े, इनके कबाब, इनकी हर चीज़ जो है ना इनके हाथ में जायका बहुत है। सो इतना कुछ इन्होंने तकल्लुफ़ कर दिया था और यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, बड़ी सी पार्टी अरेंज की, दिल से ढेर सारी दुआएं अजीमा बाजी के लिए, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी।
बहुत ही मोहब्बत से हमारे ये दिन गुजरे। शादी से पहले ही मैं इनके पास आती थी, शादी से पहले, और अभी 7 ईयर्स के बाद जो है दोबारा जो है वो आना स्टार्ट किया। और ये सुबह का नाश्ता जिनसे हम अक्सर मालिश करवा लेते हैं ना, वो बाजी जो है वो हमारे लिए बना के लाई है। अपने घर से पराठे और ऑमलेट बना कर लाई हैं और चाय हमने बनाई है। सो सुबह सुबह उन्होंने नाश्ता हमारे करवाया। और यहाँ पर जी मेहंदी लग रही है, लास्ट में निकलने का प्लान है। टाइम बहुत कम रह गया। अबू की आज 1 अगस्त को बर्थडे, आज ही अबू की बर्थडे हुई है। शेजी हमने कार्ड बनाए, आप वो देखे ना। आज इस घर में हमारा लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, और काफ़ी कुछ गौर और फिक्र जो है वो चल रहा है साथ साथ माइंड में, बहुत से ख्याल आ रहे हैं। और आप सबके लिए जो है 3 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ, 3 दिन में मैंने क्या क्या किया है। एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, यानी अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो जाना ही हिजरत कहलाता है। हिजरत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। आप सब हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि ये हिजरत जो है वो हमें रास आ जाए, आमीन। इसके साथ साथ मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएँ देना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत देना चाहूँगी, जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी, और इनके अलावा भी मेरी मोहब्बत और मेरी दुआएँ जो हैं वो सब लोगों के लिए हैं। कहते हैं कि इंसान आज जो चीज़ दूसरे को देता है ना, वही चीज़ उसको रिटर्न होके मिलती है। आप यकीन करें, बहुत से लोगों ने मोहब्बत दी, सब लोग मिलने आए, लेकिन वीडियोस जो है बहुत कम लोगों की बन सकी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी जो है वो घर को वाइंड अप करना जो है, हर चीज़ जो है निकाल के जाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इट्स डबल शिफ्टिंग, आप कह लें हम लोगों के लिए डबल शिफ्टिंग है ये। सो लास्ट में वीडियो में अल्लाह ताला का शुक्र सबसे पहले अदा करती हूँ, जिससे इतनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी और लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली। सो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला से पूरी तवक्को है कि अल्लाह ताला आगे भी जिस तरह उसने अभी तक संभाला है, आगे भी बहुत बेहतरीन तरीके से संभालेगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा दुआओं में हम सबको याद रखना। आज की वीडियो पसंद आई हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अल्लाह हाफिज़।